लखीमपुर मामले में सीएम योगी का बड़ा निर्देश सामने आ रहा है। बता दें, पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक पक्का आवास और कृषि भूमि का पट्टा देने का निर्देश दिया गया। हत्याकांड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में पैरवी की जाए और एक महीने के अंदर दोषियों को सजा दी जाए, ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। जो मृतका है उनके परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा, एक पक्का आवास और कृषि भूमि का पट्टा देने के निर्देश, साथ ही हत्याकांड की फास्ट ट्रैक में पैरवी की जाए और एक महीने के अंदर दोषियों को सजा दी जाए। बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। दो सगी बहनें जो कि नाबालिग थी, पेड़ से लटका हुआ शव मिला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद सामने आया कि उनके साथ गैंग रेप किया गया था, उसके बाद उनकी हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया था। 6 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और सीएम योगी ने संज्ञान लिया इस मामले में। उन्होंने कहा कि दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि जो मृतका हैं उनके परिजनों को 25 लाख रुपये का मुआवजा, एक पक्का आवास, कृषि भूमि पट्टा देने के निर्देश, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक महीने के अंदर दोषियों को सजा दी जाए। उधर अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्रियों की, दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज था और है, रहेगा भी। दोषी कोई भी हो, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की सजा मिलेगी कि आगे लोग सोचें। संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, अधिक जानकारी के लिए। अवनीश, दो सगी बहनें जो कि नाबालिग थी, हत्याकांड में काफी कुछ सामने आ चुका है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान भी करवा दिया कि 25 लाख का मुआवजा, एक पक्का घर और कृषि भूमि, साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी केस जा रहा है, एक महीने में सजा दिलाने की बात कही है, और क्या अपडेट है? है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो आपराधिक घटना है बहुत ही बड़ा है और इसमें पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है, एक पक्का आवास दिया गया है, कृषि भूमि का पट्टा देने का निर्देश जारी किया और साफ तौर पर उन्होंने निर्देश दिया है कि हत्या के इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रभावी पैरवी की जाए ताकि एक माह के भीतर जितने भी दोषी हैं उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए ताकि एक नजीर पेश हो गए। उन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की छूट किसी को नहीं है और इस तरीके की अगर विगत से घटना होती है तो दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है, और साथ ही अगर हम बात कर रहे हैं आरोपियों को लेकर, क्योंकि आरोपियों को जेल भी भेजा गया और ये बताया गया कि एक मुख्य आरोपी जिसका नाम छोटू और बाकी के 5 उसी के दोस्त थे और उन्हीं के जरिए लड़कियों से दोस्ती हुई थी, अगर इन लोगों के परिजनों की तरफ से हम प्रतिक्रियाओं को लेकर बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ प्रतिक्रिया तो रही होंगी, वो क्या खास? बिल्कुल, देखिए परिवार लगातार जो न्याय की गुहार लगा रहा था, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहे थे, मांग कर रहे थे कि दूसरे खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनकी बेहतर पैरवी की जाए और उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरों को दिशा निर्देश भी जारी किया, गृह विभाग के तमाम अफसरों के साथ बात की और उसी के बाद जो मुआवजा है उस राशि का भी ऐलान किया और उसी के साथ एक पक्का आवास और कृषि भूमि पट्टा देने का निर्देश जारी किया और खासतौर पर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको उसमें प्रभावी पैरवी करने का भी निर्देश जारी किया। अवनीश, देखा जाए तो राजनीति भी बहुत ज़्यादा गर्मा गई इस मामले को लेकर। बीते कल जो मृतकाएं हैं उनके घर पर जूही सिंह जो सपा प्रवक्ता हैं वो भी पहुंची थी और अलग अलग ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं। अगर हम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर बात करें, क्या ये प्रतिक्रियाएं शांत हुई हैं या फिर और भी ज़्यादा चरम पर हैं? बिल्कुल, देखिए साफ है कि कल अगर देखा जाए घटनाक्रम के जितने भी दोषी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया है और कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीतिकरण है वो और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, कांग्रेस से प्रियंका गांधी सवाल उठा रहे हैं, वही बहुजन समाज पार्टी से मायावती ने भी सवाल उठाया है और सभी की राजनीतिक जो प्रतिनिधिमंडल है वो पीड़ित के घर पहुंचा है और वहां पर सहायता राशि दे रहा है, उनको आश्वासन दे रहा है, उनकी लड़ाई लड़ने का आश्वासन भी दे रहा है। तो साफ है कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण को देखा जा रहा है।
रहा है। लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है, सरकार भी उनके बचाव में उतर आई है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का खुद संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में बेहतर पैरवी करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए और ये पूरी जो पैरवी होगी एक महीने के अंदर सारी सुनवाई हो जानी चाहिए। तो एक नजीर भी पेश करना है, नहीं विपक्ष भी मौका तलाश रहा है किसी तरीके से हर मुद्दे पर। चलिए अवनीश बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।